कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। जिले की तहसील विजयपुर में आज यूथ कांग्रेस ने भाजपा सरकार की माफिया संरक्षण के खिलाफ पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया है। विजयपुर यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष जेपी पचौरी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर बीरपुर के सरपंच दिनेश मौर्य को भाजपा की अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में फूंका है। दिनेश मौर्य अपराधी है और बीरपुर में थाने की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना मकान बनाकर रह रहा है। यही नहीं, यह वही दिनेश मौर्य है जिसकी ऑडियो साइबर मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें यह एक मुस्लिम युवक को स्वयं के खिलाफ नफरत का जहर घोलने का प्रयास किया था, जिसके चलते बीरपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दो समुदायों में जहर फैलाने को लेकर इस दिनेश मौर्य पर IPC की धाराओं के साथ मामला दर्ज किया और जेल भेज दिया। ऐसे ज्यादातर अपराधी एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दिनेश मौर्य पर श्योपुर जिले की भाजपा ने दया दिखाई और उसे भाजपा अनुसूचित मोर्चा का उपाध्यक्ष बना डाला, जिसके विरोध में मंडी प्रांगण में अपराधी भाजपाई पदाधिकारी का पुतला फूंका एवं भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब यूथ कांग्रेस के सदस्यों एवं पदाधिकारियों से बात हुई तो शुभम मुदगल NSUI विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि एक तरफ शिवराज मामा एंटी माफिया अभियान चलाकर मध्य प्रदेश से अपराधियों को समाप्त कर रही है, वहीं दूसरी तरफ श्योपुर की भाजपा ऐसे ही अधिकतर अपराधियों को अपनी जिला कार्यकारिणी में स्थान दे रही है। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा ऐसे अपराधियों को पार्टी में जगह देती है तो समझ लीजिए इनकी पार्टी का क्या स्टेटस है, ये कैसे लोगों के साथ खड़ी है। वहीं यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि जिला श्योपुर की भाजपा इस समय वॉशिंग मशीन पर कार्य कर रही है। एक अधतर अपराधी जो कि कुछ दिनों पहले ही जेल से निकला है, उसे साफ स्वच्छ बताकर अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ अनुसूचित मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बना देती है। हमने ये यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष जयप्रकाश पचौरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया है। एक तरफ शिवराज सिंह जी माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वहीं आदतन अपराधी DK मौर्य जो बीरपुर का निवासी है, जिसने पुलिस की जमीन पर कब्जा कर रखा है, आए दिन आदतन अपराधियों की दरबदर धारा उनके पास मौजूद है, जिलाबदर भी वो किए गए हैं। लगातार आरोपी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी विशेष कार्यकारिणी में जगह दे रही है, उनको जिलाध्यक्ष के पद से नवाज रही है। आखिर ये क्या संदेश देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? कथनी और करनी में कितना फर्क है? अपराधियों को लगातार उनका संरक्षण प्राप्त है और मामा शिवराज सिंह झूठे वादे जनता से कर रही है। आए दिन माफिया राजों के खिलाफ माफिया राज मिटाएंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन माफिया राजों को शिवपुर जिले की कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट द्वारा विशेष स्थान जिला उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। आखिर हमारा यूथ कांग्रेस की टीम द्वारा सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरह के आदतन रुपयों को, जिलाबदरों को, माफियाओं को आप कार्यकारिणियों में जिला उपाध्यक्ष के पद से निभा रहे हैं, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम लगातार